अमित शाह आने वाले हैं छपरा, लगातार एक महीने के अंदर उनकी दो बिहार का दौरा, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में न केवल नीतीश कुमार को निशाना ले रहे हैं बल्कि यह भी ले रहे हैं कि अपनी संगठन की चूलें भी काफ़ी तेज़ी से कसने में संलग्न एकदम मग्न हो रहे हैं। उन तमाम बातों को हम सुनाएंगे, मगर उससे पहले हम बताएंगे कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं बात करता हूं अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर। जी हां, अभी सितंबर में ही, बीते महीने ही, दो सप्ताह पहले ही अमित शाह का दौरा हुआ है और 11 अक्टूबर जेपी की जयंती पर और जेपी के जन्मभूमि पर, वहां पर अब अमित शाह लैंड करने वाले हैं। लैंड तो वो पटना में करेंगे और पटना से जेपी के, कह सकते हैं कि सिताब्दियारा, जहां से कह सकते हैं कि कई वहां से राजनीतिक हलचले वहां से कई बार तेज हुई है। आडवाणी जी ने भी कभी वहां पर अपना, कह सकते हैं कि बुझी हुई राजनीति को जीवित करने का प्रयास किया था और कभी वहां पर गिरफ्तारी जैसी भी काम हुए थे। मगर अब छपरा जाने का मकसद क्या है, वह छपरा जाएंगे और उनकी भाषणबाजी में क्या क्या बातें हो सकती है, वह जेपी की जन्मभूमि है और जेपी इसके केंद्र बिंदु होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वह अभी भाषण नहीं दिए और उनकी बातों को लेकर हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, मगर छपरा जाने का मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि छपरा, सिवान और गोपालगंज जैसे सीमांचल गए थे, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, उन तीन जिलों में हवा ही नहीं भरी अमित शाह ने, संगठन के उन लोगों की भी खबरें ली है और अमित शाह उन संगठककर्ता में भी गिने जाते हैं जो कभी बीजेपी की 8 से 9 सीटें उत्तर प्रदेश में थी और 73 तक उसे पहुंचाए थे। हो सकता है कि अमित शाह का बहुत विरोध कर सकते हैं या उन्हें नकार सकते हैं, मगर संगठन क्षमता में जिस प्रकार से जब परिणाम आता है तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। इसीलिए बिहार की सियासत में यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी जरूर हैं, मगर अमित शाह इतने तल्लीलता से जुटे हुए हैं कि पूछिए मत। अब छपरा, उन जेपी के शिष्यों की भी वह चर्चा वहां करेंगे। जेपी केंद्र बिंदु में रहेंगे तो वहां पर टारगेट कौन कौन लोग होंगे, आप इन बातों को समझ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव होंगे टारगेट में, नीतीश कुमार होंगे, रामविलास पासवान तो अभी है नहीं और अभी उनकी पार्टी का स्टैंड महागठबंधन की तरफ नहीं है। चिराग पासवान अभी महागठबंधन की तरफ जाने के लिए ऐलान नहीं कर दिए हैं, उनकी सोच और विचार भाजपा की तरफ ही अभी तक दिख रही है और ऐसा लगता है कि वह अभी भाजपा में जाएंगे और भाजपा भी उन्हें मनाने में कामयाब हो जाएगी। मगर अमित शाह किन बातों को लेकर अड़ गए हैं, उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं आन पर ले लिया है और छपरा, गोपालगंज भी कवर करेंगे, ये कोई साधारण बात नहीं है। तीन तीन लोकसभा है वहां पर और अमित शाह जानते हैं कि बिहार की भूमिका क्या होने वाली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश जीत लिया, उन्होंने बंगाल में जीतते जीतते रह गए, 3 सीटों से 80 सीटों तक ले गए, मगर बिहार में 2015 में वह जिस प्रकार से मात खाए लालू नीतीश कांग्रेस के एक होने के बाद, और इस बार तो वाम दल भी एक है और मांझी और कुशवाहा भी बीजेपी की तरफ नहीं है और अभी चिराग भी मतलब ढुलमुल में है, पूर्णतः उधर नहीं है, तो बीजेपी पूरी तरह से बिहार में अकेले है और अमित शाह इस बात को जानते हैं। संगठन की चूल्हे कहां मजबूत करनी है, कहां कसनी है, कैसे उत्तर प्रदेश जीते और कैसे बिहार की हवा बदलें। अभी फिलहाल गृह मंत्री हैं मगर उनकी पार्टी पर पकड़ सबसे ज्यादा मानी जाती है, सबसे ज्यादा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई हो या कोई चीजें कोई हो, भले ही बीजेपी इन बातों को दावा करे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, मगर उसमें अमित शाह की भूमिका कितनी है, क्योंकि वह इससे पहले 5 साल अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अब जो लोग वहां हैं वह अमित शाह के कहीं ना कहीं नज़र में हैं और अमित शाह एक संगठककर्ता के तौर पर गुजरात में 3-3 चुनाव, 4-4 चुनाव वहां पर समझ चुके हैं मोदी जी के साथ, मतलब कि
टाई अप करके एक साथ जो सामंजस्य बनाने की जो बातें थी उसको लेकर हमने कहा। तो बिहार आ रहे हैं 3 सप्ताह 4 सप्ताह के अंदर 2 बार 11 तारीख को आने की बात है जन्म दिवस पर जेपी की। टारगेट पर होंगे वही लालू जी और नीतीश जी, और नीतीश जी भी लगातार टारगेट कर रहे हैं भाजपा को, मगर आरजेडी अब कह रही है नीतीश जी आप सिंहासन खाली करिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश जी भी यहाँ से रणनीति बनाना शुरू कर दिए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 2024 के जनवरी फरवरी आते आते नीतीश जी भाजपा में हों, भले ही उनकी 17 सीटों से कुछ सीटें घटा दी जाए, ये 17 क्या एग्री होगी ये भविष्य की बातें हैं। मगर अभी फिलहाल अमित शाह आ रहे हैं छपरा, और छपरा में स्टार्टिंग होगा जेपी के सिताब दियारा से, और क्या बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां होगी वो तमाम बातें हम सुनाएंगे। मगर छपरा, सिवान और गोपालगंज में कह सकते हैं कि वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता काफ़ी खुश हैं, और वहां के लोगों में एक जोश भरने का काम अमित शाह के द्वारा होगा। वह कितना सफल होंगे नहीं सफल होंगे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, आएंगे फिर जाएंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत, और इसे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब और फॉलो करना नहीं भूलिएगा, इससे आप तक खबरें जाती रहेगी। धन्यवाद।